रहमान रहीम, हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के कदीम तरीन चर्चों में से एक चर्च दी ब्रुक सेंट्रल चर्च में मौजूद है। पादरी अनवर साहब ने हमें बुलाया है और ये बोल के बुलाया है कि जेडीसी ने जो मुसलमानों के बीच मोहब्बत और तमाम मजाहब के बीच मोहब्बत कायम की है, उस वजह से हम बहुत बड़े पैमाने पर अपने मुसलमान भाइयों को ईद की खुशियों में तहाइफ देना चाह रहे हैं। आए इस चर्च के अंदर चलते हैं, जहां से हम पूरी जिंदगी बाहर से गुजरे तो हैं सदर में, लेकिन हमने देखा नहीं था अंदर से किस तरह का। आइए, यहाँ बिल्कुल वैसे ही पेड़ मुझे नजर आ रहे हैं जिस तरह हमारी किसी मस्जिद में या हमारे किसी इमामबाड़ा में दरख्त लगे होते हैं, और किसी दरख्त पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये दरख्त जो है इसका कोई मतलब है। और ये तो दरख्त है, दरख्त का क्या मतलब होगा भाई। बहुत बड़ा चर्च है, मैंने जिंदगी में बाहर से ही देखा था, जब मोबाइल मार्केट या सदर कहीं जाएं सीवी वगैरह ऐसे गुजरते तो बाहर से देखा था, अंदर कभी नहीं आए थे अपनी जिंदगी में। आज चलते हैं अंदर, आए चलें दिखाते हैं अंदर, चलते हैं। और पादरी शाहिद अनवर साहब मुझे नजर आ रहे हैं, इबादत चल रही है अंदर। आइए आए, ग्लैड टू सी यू पादरी शॉन, पादरी कामयान यूनुस हमारे एक एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं, सरफराज फोगल साहब, पादरी शिकन शुजात साहब हमारे दरमियान हैं। बहुत ब्लेसिंग कराची के लिए, हमारे कराची में जफर बास जो जेडीसी के लिए कर रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं, और हमने चाहूँगी मोहब्बत बांटें, और उन लोगों के लिए जो शायद लेस प्रिविलेज हैं, जो लेस प्रिविलेज हैं, जो शायद ईद से ही नहीं मना सकते, तो हमने चाहा कि हम ये गिफ्ट बच्चों के लिए बांटें। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पादरी कामरान यूनुस का, ये यहाँ से ओसीसी को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान में, और थोड़ा सा ओसीसी के बारे में बताएंगे आपको। ओसीसी एक ऐसा इदारा है जो गरीब बच्चों में खुदा की मोहब्बत को बांटने की कोशिश करता है, और ये एक बच्ची की एक तहरीक से शुरू हुआ था कि जब क्रिसमस आया था तो उस बच्ची ने देखा कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो घर गई और उसने क्या किया कि अपने बेहतरीन टॉयज जो वो पसंद करती थी उसने उनको पैक किया, दूसरी कुछ चीज़ें पैक करके, तो वो एज अ गिफ्ट उसको देने उसे वो इसे दे के आई और कहती है कि जितनी खुदा की मोहब्बत मतलब खुदा ने हमसे की है, हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे से उस मोहब्बत को शेयर करें। तमाम मुसलमान कम्युनिटी पाकिस्तान की जितनी है उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि ईद की खुशियों में आपने उन मुसलमान बच्चों को जो गरीब है महरूम है उनके लिए इतने कीमती तहाइफ का अरेंजमेंट किया है। और मैं बताता चलूं, जिस तरह यहाँ मुसलमानों के तमाम ही मसालिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार रहे, चाहे वो शिया हज़रात हों, सुन्नी हों, देवबंदी उलमाए कराम हों, अहले हदीस उलमाए कराम, उसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लातादाद चर्चों में दहशतगर्दी, पिशावर चर्च ब्लास्ट, जोसफ कॉलोनी जला दी गई, बहुत नुकसान हुआ, इनका भी जानी मारी। और आज इन्होंने जो ये पैगाम दिया ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। सर मुझे समझाएं क्या है ये डब्बों में क्या स्टीकर लगे हुए हैं, ये कलर क्या है, इनका मतलब क्या है? ये बॉयज के लिए है, इनकी एज लिमिट उसके साथ लिखी हुई है, और ये गर्ल्स के लिए हैं जो वो हैं, और ये एज इट इज इसके अंदर गिफ्ट्स हैं, इसको कोई ओपन नहीं किया है, ओपन वही करेंगे जिनको मिलेगा। इसमें क्या क्या निकल सकता है? इसमें बहुत सारे बच्चों के कुछ पैसे भी निकले हैं, डॉलर्स भी निकले हैं, और लेकिन साथ साथ बताना चाहता हूँ कि गिफ्ट ऐसे हैं बिल्कुल नए हैं, और खुदाओं को शुक्रिया करते हैं कि ये हमने चाहा कि आज आपके साथ मोहब्बत बांटे। नहीं, बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है सर। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, जेडीसी का शुक्रगुजार। मैंने अपने यहाँ सुना था वाकयात में, जब वाकया करबला रोनुमा हुआ तो एक पादरी थे, उन्होंने एक काम किया था, शायद आपको मालूम है, मेरे नॉलेज में है कि जो इमाम साहब का सर था उन्होंने गुस्ल कराया था। बिल्कुल, और फिर सर जॉन का जिक्र आता है, हजरत जॉन के लश्कर का जिक्र आता है जिन्होंने आगे इमाम हुसैन की मदद की थी, और मतलब ये हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे उसमें हैं, और लेकिन फिर बात मोहब्बत की बात है जो आज हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम चर्च मेम्बरान का जिन्होंने हमारे बच्चों का जिन्होंने चाहा कि हम सब मिलकर ये मोहब्बत बांटें, और तमाम ये कराची में पूरे पाकिस्तान दुनिया में पैगाम दें कि पाकिस्तान जो ना हमारी शान और आन है। बेशक, और यहाँ कोई मसलक और कोई मजहब की कोई दुश्मनी नहीं, सब इंसान है। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने बोला कि भाई ये दरख्त लगे हुए बिल्कुल वैसे जैसे हमारे मस्जिद में लगे होते हैं, इन दरख्तों का कोई मजहब नहीं है यार।
اور میں پوری مسلمان کمیونٹی سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے ان بچوں کو یاد رکھا. آپ یقین کریں میں ہر سال 25 دسمبر کو 10,000 گفٹ جے ڈی سی کرسچن کمیونٹی کے چرچز میں دیتی ہے جا کے تاکہ ان بچوں کو دیں. اور یہ آپ کی طرف سے جو اسٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج آ رہا ہے دنیا میں کہ سب نفرتیں ختم ہو گئی ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ظفر آپ کے لیے شکر گزار ہیں خدا ان کے کہ کراچی میں ایک ایسا آئی فیل پراؤڈ کہ میں کراچی میں ہوں اور ظفر عباس کے ساتھ بیٹھ باپ کے اس میں ایک کپ ڈال رہا ہوں سمندر میں. زیادہ نہیں ہے بہت بڑا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے اس لیے آپ کو بلایا کہ ہم اپنی محبت بتائیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا پیغام ہمارے یسوع مسیح کا پیغام ہے اور محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں مانا. بے شک میں یہی اپیل کروں گا پورے پاکستان سے پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا. میں سمجھتا ہوں رمضان کی سب سے بڑی عبادت میں سے ایک عبادت یہ بھی ہوگی اس پیغام کو شیئر کرنا ہے, دکھانا ہے کہ نہ صرف مسالک تمام مذاہب ایک ہو گئے جو دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کے دلوں کو ملانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ کو میں بتاتے چلوں ہمارے دسترخوان پہ کرسچن کمیونٹی کے والنٹیئرز بڑی تعداد میں سرو کرتے ہیں مسلمانوں کو مذہبی تہوار میں سحری اور افطاری. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. ہمارا فون نمبر ہے 02136341059. میرا ذاتی موبائل نمبر ہے 02143434433. اس ویڈیو کو لازمی شیئر